फ्रेंड्स, आज की ब्लॉगिंग डे 3 हम शूट कर रहे हैं और ये मैं स्टार्टिंग में कर ली। तो ब्लॉगिंग डे का स्टार्टिंग पार्ट मैं अब रात को शूट कर रहा हूँ और ये ब्लॉगिंग मैंने आज बनानी थी, मनीष के पास गया था तो मैं अभी मनीष के पास ही हूँ। तो ये ब्लॉगिंग मैंने अपने घर में स्टार्ट करनी थी जो कि नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो ब्लॉगिंग डे 3 था उसका विनर आया है एमजे ने मुझे कमेंट सही रिप्लाई किया है और उसका कमेंट ये था जो कि था ट्राईपॉड और रिंग लाइट जो कि मेरी वीडियो में आई थी। और वो कहता वीडियो का शॉर्ट आउट देख सकते हो कि ये इधर शॉर्ट आउट आपको दिख जाएगा, उसकी फोटो दिख जाएगी। मैंने व्हाट्सअप पे वीडियो कॉलिंग की और उसके साथ बात की, काफ़ी अच्छा लगा। और एमजे मोस्टली मुझे काफ़ी सपोर्ट करता है और हर एक ब्लॉगिंग पे आता है वो। तो आज की जो ब्लॉगिंग है इसमें आपको पूरी वीडियो में एक चीज़ आएगी जो चार्ज होती भी है और चार्ज करती भी है, ठीक है। वो मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि कौन से टाइम पर वो चीज़ आई है। और कैदा आपने मुझे उसका टाइमिंग तो लिखना लिखना ना, चीज़ भी लिखनी है कौन सी चीज़ है, ठीक है। और एक चीज़ और, इसके साथ साथ आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, ब्लॉग को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है, उसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आप मेरा व्हाट्सअप पर्सनली जाना है और मैं उस पर ऊपर मैंशन कर दूँगा कि किसने मुझे किसका कमेंट आया है, ठीक है। अगर वीडियो कॉलिंग नहीं कर पाता मैं आपको, बाई चांस आप मुझे पर्सनल मैसेज करोगे, व्हाट्सअप मेरा व्हाट्सअप जो मेरा व्हाट्सअप का नंबर है वो भी है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मैसेज करोगे कि हाँ भी जो भी आपका मैसेज है मैं वो रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो बकायदा जैसे मैंने इस वीडियो में ब्लॉगिंग में मैं शॉर्ट आउट दे रहा हूँ एमजे को, एमजे आर्मी, ठीक है। और उसका कमेंट भी मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ एक ना आपको देखने में इंटरेस्टेड लगती है, दूसरी बात कि आपको काफ़ी अच्छा भी लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है आपसे बात करना, ठीक है। तो बस, तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मनीष के साथ हमने स्टार्ट किया है और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, लंबा हो जाएगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज का ब्लॉग जो शूट किया है इसमें बारिश में हम बैडमिंटन खेले हैं, बारिश के बिना खेले हुए हैं और हमने दोपहर में खाना क्या खाया है, मतलब कि अच्छा ब्लॉग शूट हुआ है। बाकी आप बताओगे कैसा शूट हुआ क्योंकि ब्लॉगिंग में मेरा हाथ बहुत टाइट है, ठीक है। तो कोशिश की है छोटा से छोटा ब्लॉग रहे और बस आज के लिए इतना काफ़ी है। और ये इसकी वजह से ब्लॉग शूट हुआ है, नहीं तो ब्लॉग नहीं शूट होना था। ब्लॉग मैंने कल के ऊपर डाला हुआ था कि मैं शॉप पे जाके ब्लॉग शूट करूँगा, बकायदा शॉप ब्लॉगिंग में मैं कॉलिंग करूँगा, दिखाऊँगा बकायदा कि हाँ भी मैं कॉल कर रहा हूँ, बात हो रही है, ताकि आपको पता चले कि हाँ भी जो मैं कह रहा हूँ वो कर भी रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहा हूँ। तो एमजे के भाई का कमेंट आया था जो कि मैंने रिप्लाई कर दिया। आज का जो मैंने बताया है वो आपने बताना है किस टाइम पे आया है और बस यही है। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो चलो स्टार्ट। मैंने चप्पला उतार के, ठीक है, वहाँ धूप में रख दी, ठीक है, देख धूप में रख दी। ये मैग मेरा आपस में टकराता है तो हाँ ये टिक टिक करता है ना, दिक्कत होती है ना, इसको आपस में आज जोड़ देते हैं। तो ना आज की ब्लॉगिंग में ना मेरे साथ मनीष है, मैं मनीष के घर आया हुआ था, ठीक है ना, इसने मेरी चप्पल उतार के ना वहाँ रख दी धूप में, जैसे मैं नीचे रखूँ चिस होगा। पर वैसे इसको ये नहीं पता कि ठंडा मौसम है, इतना चिस होने वाला नहीं है। तो देखो कि आपको मज़ा आएगा, आई होप कि ये मैंने स्टार्टिंग नहीं की, स्टार्टिंग मेरी इसकी बाद में होगी। ये तो मनीष के घर ऐसे आ गया, हम बाइक के ऊपर लगा लिया, अब हम चिकन लेने जा रहे हैं और मैं और मनीष, और मैं शूट करूँगा, उस कैमरे का एंगल भी दिखाऊँगा, इसका भी दिखाऊँगा। चलो चले।
अभी हम जा रहे हैं, ठीक है, और अच्छा लग रहा है। संडे वाले दिन कुछ तो करना है, अभी लाइव भी आ रहा है, मैं 2 बजे लाइव आऊँगा, तो जब मैं लाइव आऊँगा ना उस एंगल से। हाँ प्लान हमारे एकदम बनते हैं, ठीक है। ये हैंड ऐसे पीछे बैठ कर मैं ऐसे मार, तो ऐसे ऐसे मारता हूँ मैं 3D आधुनिक लोगों में 3D फोटो, और उसका मैं थोड़ा बता भी दूंगा कैसे करते हैं। तो अभी कैम ये इंसान ने तो अभी मैं जा रहा था, जाते जाते मुझे स्टेडियम दिखी, मैं चलो आपको थोड़ी अपने कुरुक्षेत्र की स्टेडियम भी दिखा देते हैं। हमने कहा था कि छोड़ भर क्या दिखानी है, मैं कहा नहीं आप दिखाएंगे, हमारे व्यूज़र है उनको दिखाएंगे, क्योंकि स्विमिंग का ये चैनल है मेरा। अभी इस साल स्विमिंग नहीं आनी, इसलिए मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, अदरवाइज ये मैं आप दिखाता हूँ। ये हॉकी की स्टेडियम है, स्केटिंग हॉकी, ठीक है, ये स्केटिंग हॉकी है, और काफ़ी बार आपने मेरे ब्लॉगों में देखी होगी, मैं उस एंगल से दिखाता हूँ पूल से, ठीक है। ये बास्केटबॉल है, ठीक है, 2 कोर्ट बास्केटबॉल के, और वो लटकने के लिए मनीष आ जा, और ये लटकने जा रहा था, इसके मुझे पता है इसके चुल मची थी, ठीक है। ये अभी बन रही है, ठीक है, पर यहाँ हम रात को खेलते हैं, यहाँ लाइटें लूटें लगी हुई हैं, रात को खेलते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये सारा, बल्कि अभी सिंथेटिक मैट बिछा हुआ है, सरकार बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है, कई लोग मोदी को कोसते हैं, पर मोदी ने हर जगह स्टेडियम बनवाई हुई है, मेरे लिए यही काफ़ी, और मुझे गेम से बहुत प्यार है, शुरू से बहुत प्यार है, ठीक है। अब ये सिंथेटिक मैट है, ठीक है, ये आगे, ये अभी ग्राउंड तैयार हो रही है, ये बीच में फुटबॉल की रहेगी, बाकी बाहर गेमें रहेंगी, शॉर्ट पुट आउट पुट थापी फेंकनी पाथी फेंकनी, ये हॉकी की ग्राउंड है जो नॉर्मल हॉकी खेलते हैं, ठीक है, और ये स्केटिंग हॉकी है, ठीक है, और ये एथलेटिक का मैट आपको पता होगा, सिंथेटिक मैट है, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं, नहीं ये इतने होते हैं, ये सेट फट गए हैं, नहीं नहीं पागल है तू, ये देखो। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये सिंथेटिक मैट है, ठीक है, और वहाँ पे जो एक गोला सा होता है जिसमें तार बंदी होती है, वो पाथी होती है, पाथी फेंकने के लिए, जिसको शॉर्ट पुट कहते हैं। तो ये सिंथेटिक मैट बना हुआ है, ये स्टेडियम बन रही है, तो यहाँ पे हम रनिंग कराया करेंगे, शाम को मैं आया करूँगा, ठीक है, और ये स्टेडियम थी, तो चलो अब आगे चले। तो फ्रेंड्स हम मार्केट में सारा काम खत्म करके अभी आ गए मनीष के घर में, अभी सिटी बज रही है, आपको पता होगा सिटी बज रही है, हमने रास्ते में गिट्टे उठाए थे खेलने के लिए, ये आप देख, ये गिट्टे आप मुझे बताना कि कौन सा, ये मनीष की मम्मी के लिए आए थे, उन्होंने मंगाए थे, तो आप बताना कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट कौन से रहते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ये रहते हैं, और ये मनीष की मम्मी के हिसाब से ये रहेंगे उनके हिसाब से, और मनीष तेरे हिसाब से ये रहेंगे कौन सा, नहीं वैसे कौन से रहेंगे मनीष, तू इजी, हाँ ये आसान रहेंगे और बढ़िया रहेंगे आसान, हाँ तो ये ये आंटी ने ये पसंद की है, मतलब ये सच, हाँ ये सच सही है ना, वैसे उन दोनों में से मुझे ये सच सही लगा ना, हाँ थोड़ा ये भी है। तो फ्रेंड्स अभी करो वेट जो बन जाएगा,
फ्रेंड्स मैं लाइव कैसे हुआ हूँ अभी देख सकते हो, मेरे आगे ट्राइपॉड पड़ा है, इसमें मेरे फोन है, मैं इससे व्लॉग शूट कर रहा हूँ सारा। पर अभी मैं ये लाइव चल रहा हूँ टेक्निकल लवली मनी चैनल पे, लाइव का टाइम है 2-2.5 बजे के बीच जाना था। कमेंट पर तो रिप्लाई ठीक है, थैंक यू। ठीक है तो मैं ऐसे लाइव आ रहा हूँ, अभी मनीष के साथ बैठा हूँ, इसके छत पे बैठा हूँ। ठीक है ये BSNL क्रोनो में सारा डिटेल प्राइस ये देख सकते हो, प्राइस इसका ऑफलाइन मार्केट में चाहिए, हाँ ऑफलाइन मार्केट में ये 13,200 रुपए का मिलेगा, 13,200 रुपए का मिलेगा, और ऑनलाइन मार्केट में ये 12,700 रुपए का मिलेगा। तो ऐसे लाइव आता हूँ, तो ब्लॉग लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए अभी मैं लाइव चल रहा हूँ, लाइव सेशन दिखा रहा था कि ऐसे हम बैठे हैं टेबल पे। ठीक है अभी खाना खा लिया है सारा, तो अभी मैं लाइव बैठा हूँ, अभी लाइव में मैं कुछ करूंगा। फ्रेंड्स अभी चल रहा है बैडमिंटन, अभी मनीषू ने पीछे बैडमिंटन खेल रहा है, अभी हम मैं भी खेलूंगा। और अभी आप देख रहे हो मैं मनीष के पास आया था मात्र कितने 12 बजे का आया था तेरे पास, 12 बजे तक आया था। जितना भी ब्लॉग शूट किया मैंने यह किया है, ये मनीष के पापा अंकल जी, ठीक है वो रजत, ठीक है और ये मनीष, तो अब मनीष को जानते हैं। चलो अब बैडमिंटन खेलेंगे और अब हम फॉरवर्ड में मैं इसको कर दूंगा, तो बैकग्राउंड में म्यूजिक लगेगा, इंजॉय करो। और आज का बीच में आ गई वो गाय आ गई, उसने सबको भागना पड़ा, एकदम सीन कुछ ऐसा हो गया, वो थोड़ी थी तो मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है वो रजत का भाई है, ठीक है मनीष ये सारा, ये मनीष के मम्मा, और ये छोटा गंजा हमारा बाहुबली कटप्पा। ठीक है तो बीच में बीच हो गया, तो अभी मैं जा रहा हूँ उससे। अभी हमारा बैडमिंटन का मैच अभी भी चल रहा है, पर अभी आ गई बारिश, हम बारिश में खेल रहे हैं, पर मैं शूट नहीं कर रहा क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाना है। मनीष रजत फ्रेंड्स मनीष की डिमांड है, बाकी सबकी डिमांड है कि ये जो व्लॉग है वो शूट किया जाए स्पेशल बारिश। एंगल सारे चल रहे ने, कैमरा थोड़ा नेड़े आ गया, ये चटर ओहो कैमरे में पानी आ गया था। चलो 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 एंगल चेंज होंगे, बारिश बहुत तेज होगी जी। बारिश बहुत तेज हो गया, फ्रंट कैमरा चला दिया मैंने थोड़ा सा, देखते रहे बहुत बहुत तेज बारिश। चलो 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 अरे यार धुंध हो गई, बारिश में पानी आने लग गया आंखों, इससे आगे पानी आने
फ्रेंड्स बारिश बहुत ज्यादा होने लगी अभी जीते हैं तो बहुत ज्यादा चार आठ से जुड़ो रहे देखो रजत ने सर्विस करी मणि ने गिरा दी बॉल आपको ब्लॉग आई होप कि अच्छा लगा, कोशिश की है मैंने बहुत अच्छा ब्लॉग लगा, मनीष अभी थोड़ा बिजी है ये कर रहा है कुछ इसका जो भी काम है, तो चलो ब्लॉगिंग का एंड करते हैं और इस ब्लॉगिंग में क्या क्या कमी रहेगी मुझे बता देना थोड़ी सी, ठीक है। और आज संडे था तो अभी मैं लाइव आ गया हूँ, लाइव मैंने दिखाया भी कि आपको जब लाइव आते हैं कैसे आते हैं, अभी मैंने ट्राइपॉड से ही पकड़ा हुआ है तो मनीष के साथ बैठते हैं, इसके साथ बैठते हैं, क्या दिखा रहा है, गाना आ गया था रुक जाओ गाना आ रहा लगा गाना आ गया। तो फ्रेंड्स एम जे ने मुझे कॉलिंग की थी, ये फ़ोटो खींची हमने, ये इसमें सही नहीं दिख रही, ये गाना चल रहा है, गाना बंद कर दिया, ठीक है गाना बंद कर दिया। इंस्टाग्राम पे मेरे इंस्टाग्राम की सारी सभी की आईडी डिस्क्रिप्शन में है, ऐसे अंधेरा सारा यार, बाहर चलते आ जा, बाहर के वेदर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जा बहुत बढ़िया, बाहर आ जा, आ जा कंजरा आ जा, ब्लॉगिंग में नहीं आ रहा वो, ब्लॉगिंग में नहीं आ रहा मेरी, वो कह रहा तुम बाहर जाके करो, वो अपना काम में बिजी है, वो इंस्टाग्राम पे डाल रहा है वो कुछ पोस्ट पास्ट डाल रहा है, ये पीछे ये अग्रसेन स्कूल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सीन है कुछ ऐसा कि आज के ब्लॉगिंग में काफ़ी मज़ा आया मुझे, ठीक है। और बाकी जो आपको पहेली मिलती है वो आप फुल वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कहाँ से कहाँ आ रही है। और सीन है कुछ ऐसा है जो पिछली बार किया था जिन्होंने कमेंट मुझे, वो मैंने रिड्यूस कर दिया कि मुझे एमजे ने सही जवाब दिया था, और इस बार देखते हैं कि क्या रहता है, इस बार मैं कॉलिंग करूँगा जिन्होंने मेरे कमेंट का सही जवाब दिया है, बल्कि अगर वीडियो को गौर से देखोगे तो आपको पता होगा कि वो चीज़ कहाँ पर आई है, और अगर किसी को नहीं पता चला तो फिर मैं खुद बता दूँगा कि किस टाइमिंग पर आई है, और बस आपने ये चीज़ बतानी है कि वो चीज़ किस टाइमिंग पे आई है, और सिंपल वो चीज़ क्या है, ठीक है। और उसको एक बार मैं बता देता हूँ आपको, वो चीज़ कौन सी है जिससे हम फ़ोन चार्ज कर सकते हैं और वो भी चार्ज होती है, ठीक है, सिंपल बताना है, और कौन से टाइमिंग पे आई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और व्लॉगिंग बनती रहेगी, और जब तक स्विमिंग पूल नहीं चल रहा, हाँ स्विमिंग की कुछ टिप्स मैं दे दूंगा नेक्स्ट ब्लॉगिंग में, मुझे काफ़ी जने कमेंट करते हैं कि मेरे पैर पानी में नीचे नहीं जाते या नीचे चले जाते हैं, तो ऐसे छोटे मोटे कमेंट उनके जो शॉर्ट आउट है वो दूर कर दूंगा। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय, थैंक यू।